भीड़भाड़ से भरे बाजारगंज में बुधवार दोपहर विद्युत पोल गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सीओ कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों ओर का रास्ता बंद कर दिया। गनीमत ये रही कि इस रास्ते में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। व्यापारी सुरक्षा फोरम के अध्यक्ष विजय मदान ने बताया कि उन्होंने इस खंभे को लेकर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गुप्ता और अधिशासी अभियंता एसके सिंह से शिकायत की थी। अधिशासी अभियंता ने उपखंड अधिकारी राहुल गौतम को मौके पर भेजकर जांच कराई। उपखंड अधिकारी ने खंभे को पूरी तरह से ठीक बताया था, मगर बुधवार को खंभा धीरे धीरे एक ओर झुकता चला गया। उसका ऊपरी भाग सामने ही स्थित वीके ज्वेलर्स की दुकान के छज्जे पर जाकर टिक गया। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। इस खंभे पर 11,000 केवी के साथ साथ अन्य लाइनें भी चल रही हैं। सूचना मिलते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई। उपखंड अधिकारी राहुल गौतम बिजली टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खंभे को सीधा कराने का प्रयास करने लगे, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि क्रेन मंगाई जा रही है, जिसके बाद खंभे को ठीक कराया जाएगा। क्या मामला है, आज आपके द्वारा कोई शिकायत की गई? मैं विजय मदान, व्यापारी सुरक्षा फोरम का महानगर अध्यक्ष। मेरी जानकारी में ये कल भी आ गया था किस्सा, जबकि ये खंभा जो है बिल्कुल गिराव हालत में था और यहाँ के दुकानदारों ने मेरे पास सूचना दी, तो मैंने एससी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और आज एक्सीएन महोदय एसके सिंह जो यहाँ के सेकंड के, उनको भी मैंने सूचना दी, तो वो बोले कि हाँ आज ही आज में करवा देंगे। ये सुबह 11 बजे की बात है, मैंने दोनों अधिकारियों से बात करी है, लेकिन अभी तक उसके कुछ भी कार्रवाई नहीं की और अभी ये गिर गया है। ये गिरने का ही इंतजार कर रहे थे अधिकारी लोग और अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है और कुछ भी इसके सामने, अभी कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है ये शायद इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनहानि नहीं हुई है, ये बस गनीमत हुई है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आपके सामने है, देखिए क्या किस हालत में है खंभा। किसी दुकान के ऊपर गिरा, क्या कह रहे हैं ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बची गया ऊपर गिरा हुआ है। कितने दिन से शिकायत कर रहे हैं? 3 दिन से इसकी हालत यही है, लेकिन आज मैंने विशेष तौर से एसी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और एक्सीएन महोदय श्री एसके सिंह महोदय को, दोनों को मैंने व्यक्तिगत शिकायत करी है। मैंने मेरे फोन द्वारा उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि आज मैं इसको ठीक करवा दिया। तो माना जाए लापरवाही की वजह से ही? लापरवाही तो पूरी हो रही है, विभाग की लापरवाही पूरी हो रही है। एसडीओ साहब जो आए थे, अभी मैंने एक्सीएन महोदय को बुलाया और एसडीओ महोदय आए और एसडीओ महोदय ने ये आकर मुझसे कहा कि नहीं साहब, वो गिराव हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक करवा देंगे। आप देख रहे थे इसकी क्या बयान, किसका था, किसने कहा था, किसने कहा था? एसडीओ साहब, ये एसडीओ मुझसे एक्सीएन महोदय ने ये कहा था कि एसडीओ महोदय को मैंने भेजा था, वो वहाँ पर देखकर आए थे, पर उन्होंने ये कहा है कि वो गिराव हालत में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका टेढ़ा हुआ हुआ, उसको हम ठीक करवा देंगे, लेकिन पूरा गिराव हालत में था और अभी देख भी रहे हैं और ये पूरा गिरा हुआ है। साथ ही व्यापारियों के बार बार बुलाने के बावजूद बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने मौके पर जाना उचित नहीं समझा।